सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो देख सकते हैं ये है खजूरी पुस्ता और मैं दिखाने वाला हूं आप लोगों को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस पेपर का कितना कुछ वर्क हो चुका है वो आप लोग इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हैं ये पाइलिंग मशीन लगी हुई है और ये पाइलिंग कर रही है। कहीं कहीं तो पाइल हो चुका है, फाउंडेशन का काम चल रहा है अभी ज़्यादातर, और कहीं कहीं पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। तो देखेंगे और आपको खजूरी तक का दिखाएंगे। यह है खजूरी पुस्ता जिसे बोला जाता है और हम चलेंगे आज खजूरी तक और वहाँ की पिंक लाइन भी दिखाएंगे, जो खजूरी से सोनिया बिहार के लिए जो पिंक लाइन जा रही है उस पर कितना कुछ काम वर्क हो चुका है वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो बने रहिए केपी संत के साथ में, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए मिलते रहते हैं आप सभी को दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के जो पिलर हैं वो बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अब इन पर सेटरिंग बिठाई जा रही है, देख सकते हैं इनका ये पिलर कैप का काम किया जा रहा है। तो देखिए पिलर कैप बनाने के लिए सेटरिंग दोनों साइड में लगा दी जा चुकी है, यही सेटरिंग लगा दी जाएगी। तो देख सकते हैं इस पर पिलर कैप का अब काम स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आप लोगों को सारे वीडियोज़ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को संडे या मंडे तक जो आने वाला है, उसमें आपको यहां से लेकर आपको बता दो अक्षरधाम से लेकर और ईस्टर्न पेरिफेरल तक का आप लोगों को वीडियो देखने के लिए मिलेगा। कहां कितना वर्क चल रहा है अभी तो वो सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हैं ये सारे पिलर कंप्लीट हो चुके हैं बन के, इनमें बस अब पिलर कैप का काम किया जाना वो भी स्टार्ट हो चुका है पीछे जैसा आप लोगों ने देखा था। तो यहाँ से जो सेफ्टी बोर्ड थे वो भी हटा दिए जा चुके हैं, देख सकते हैं आप अपनी आंखों से। और मैंने पिछली बार भी अभी 15-20 दिन पहले भी इस रूट का अपडेट दिया था, तो वहाँ पर पिलर बनाए जा रहे थे, कहीं कहीं बनाए जा रहे थे, कहीं कहीं बन चुके थे, कहीं कहीं इसमें पाइल किया जा रहा था, कहीं कहीं इसका फाउंडेशन का काम किया जा रहा था। तो यही वर्क चल रहा था उस टाइम पे, और उस टाइम से और अब तक का आपको बता दूं यहाँ पर बहुत सारे पिलर कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि शास्त्री पार्क से जब हमने स्टार्ट किया तो उधर के ही नहीं बने थे, वहाँ पर भी पाइल चल देखे, इसमें ये पिलर में वो भरा जाएगा, कंक्रीट भरा जाएगा, फिर ये कंप्लीट किया जाएगा। तो देख सकते हैं बीच बीच में तो कंप्लीट हो चुके हैं, बीच बीच में देख सकते हैं इनमें रिंग लगाया जा रहा है, रिंग लगा दिए जा चुके हैं और इस पर अब कंक्रीट भरा जाएगा, इन दोनों पिलरों के अंदर कंक्रीट भरा जाएगा। अभी तो इसके ऊपर रिंग भी लगाए जाएंगे, इसमें शुरू से लेकर एंड तक इसमें रिंग लगाए जाएंगे। देख सकते हैं इसका फाउंडेशन ही अभी इन लोगों ने क्लियर किया है, फाउंडेशन बना दिया है, बिल्कुल कंप्लीट हो गया फाउंडेशन। इस पर देखो रिंग लग रहे हैं ये गोल गोल से, और इन पर अब कंक्रीट भरा जाएगा, और कंक्रीट भर देने के बाद में ये पिलर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस पर दोस्तों देख सकते हैं ये सारे में अभी कंक्रीट भरा जाएगा क्योंकि ये सब फाउंडेशन क्लियर कर दिया है, देख सकते हैं इसमें फाउंडेशन का काम चल रहा है, इधर ये फाउंडेशन का काम हो चुका है, और देख सकते हैं पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जा चुका है और इस पर रिंग लगाए जा रहे हैं, और रिंग लग जाने के बाद में फिर इसमें कंक्रीट भरा जाएगा। देख सकते हैं जैसे ये रिंग लगाए गए नीचे नीचे ऊपर लगाए जाने हैं और ऊपर लगेंगे अभी आधे तक, तस्वीर आप लोग अपनी आँखों से देख सकते हो। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन मैं लाता रहता हूँ आप लोगों को, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप लोगों को कंस्ट्रक्शन दिखाता रहता हूँ। इस पर फाउंडेशन बना लिया गया है, अब फाउंडेशन बना के ये पिलर का स्ट्रक्चर सरियों का जाल खड़ा कर दिया है, इस पर रिंग लगाए जा रहे हैं, और रिंग लग जाने के बाद में इसमें कंक्रीट की मदद से ये भर दिया जाएगा, बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएगा, देख सकते हैं। और ये हम खजूरी के लिए जा रहे हैं और उसी बीच में ये पड़ते हैं, तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा पिलर ये खड़े कर दिए जा चुके हैं, पहले नहीं थे, जो पहले मैंने अपडेट दिया था उसमें नहीं थे, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। देखो यहाँ पर ये पाइलिंग मशीन खड़ी हुई है जो पाइल कर रही है, यहाँ पर कोई पिलर खड़ा नहीं हुआ है, उसमें पाइलिंग का काम चल रहा है, फिर इसका फाउंडेशन बनाया जाएगा, और फाउंडेशन बन जाने के बाद में
इस पर पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है। जैसे ये पिलर खड़ा, ये स्ट्रक्चर खड़ा है, इसी तरीके से खड़ा करते फिर इस पर रिंग लगाते हैं। रिंग लग जाने के बाद में इस पर कंक्रीट भर देते हैं और कंक्रीट भर जाने के बाद में ये कंप्लीट हो जाता। फिर उसके बाद में पिलर कैप का काम किया जाता और पिलर कैप का काम हो जाने के बाद में फिर ये एक पिलर से दूसरे पिलर को गार्टर द्वारा कनेक्ट किए जाएंगे, उन पर फ्लोरिंग की जाएगी और बस यही काम चलेगा। फिर इस पर ब्लैक टॉप होगा और बन के कम्प्लीट हो जाएगा ये एक्सप्रेस पे दोस्तों। तो ये आपको बता दूँ, इसकी डेडलाइन है सन 2023 के एंड तक ये कम्प्लीट हो जाएगा और आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। तस्वीर आप लोग देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ कि हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस केपी संत आप लोगों के बीच में लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। जहाँ भी NCR में कंस्ट्रक्शन चल रहा है आज की डेट में, वहाँ की अपडेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर कोई सेटरिंग नहीं लगी हुई है, कोई सेफ्टी बोर्ड नहीं लगे हुए हैं। तो अभी इस पर ये सेफ्टी बोर्ड लगाए जाएंगे, फिर इस पर पाइल किया जाएगा, उसके बाद में इस पर वर्क स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर पाइल देखिए, ये पाइल कर दिया जा चुका है। अब इन पर आपको बता दूँ दोस्तों कि इस पर फाउंडेशन बनाने का ही वर्क चल रहा है इस टाइम पर, कि उसे पाइल करने के बाद में ज़मीन के अंदर गड्ढे किए जाते हैं, 6 गड्ढे किए जाते हैं। 6 गड्ढे करने के बाद में उसके अंदर रिंग डाला जाता है, रिंग डालने के बाद में फिर उसको तोड़ा जाता है, फिर इसका फाउंडेशन बनाया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने नहीं देखा तो पिछली वीडियो में देखो ये रिंग रखे हुए हैं, ये रिंग ज़मीन के अंदर जाते हैं, 6 रिंग डाले जाते हैं, 6 पिलर बनाए जाते हैं ज़मीन के अंदर, फिर उसके बाद में एक पिलर ग्राउंड लेवल पर आता है दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये आ चुका है खजूरी का चौक, जो कि यहाँ पर पहले ये फ्लाईओवर नहीं हुआ करता था। और लेफ्ट में आपको बता दूँ, लेफ्ट में पड़ेगा सोनिया बिहार और सोनिया बिहार को क्रॉस करते ही आ जाएगा सिग्नेचर ब्रिज यमुना रिवर पर। और राइट में जाते हैं तो दोस्तों हम जाएंगे गाज़ियाबाद के लिए। तो देख सकते हैं, आपको बता दूं खजूरी ये स्टेशन है पिंक लाइन का। अब पिंक लाइन का स्टेशन देख सकते हैं, इन पर आपको बता दूं पिलर कैप का काम कर लिया जा चुका है। अब इसके ऊपर का भी इसमें पिलर कैप लगा दिया जा चुका है। अब इस पर लॉन्चर लगाया जाएगा, देखो लॉन्चर बनाने की सेटरिंग चल रही है। ये ऊपर लॉन्चर लगाया जाएगा, फिर ये नीचे वाले कौन कौन लेवल के जो बिंग्स हैं उनको जॉइंट किया जाएगा। तो यही वर्क चल रहा है अभी। और हम चल रहे हैं सोनिया बिहार के स्टेशन से, सोनिया बिहार के पिंक लाइन के स्टेशन पर चलेंगे, वहाँ देखेंगे कितना कुछ वर्क हो चुका है। तो देख सकते हैं ये बायोडक्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ये क्या नाम है खजूरी से और सोनिया बिहार के बीच तक ये पिंक लाइन का वर्क है दोस्तों, देख सकते। और पिंक लाइन का वर्क बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इन पर जो स्टेशन है बीच बीच के, बस उन पर ही वर्क चल रहा है। और डबल डेकर मेट्रो भी बनाई जा रही है, पिंक लाइन डबल डेकर है वो, क्योंकि नीचे वाले कौन कौन से लेवल पर तो इस पर वाहन दौड़ेंगे, मतलब फ्लाईओवर टाइप का बनाया जा रहा है और उसके ऊपर पिंक लाइन मेट्रो दौड़ेगी दोस्तों। तो यही है 1.5-2 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रस रहता, बहुत ज़्यादा जाम रहता। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस पर फ्लाईओवर और मेट्रो बनाई जा रही है। तो उसका मैंने पिछली वीडियो में आपको अपडेट दिया था, आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लेना। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। जहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है आज की डेट में, मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और बताता रहता हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं कि आज का ये वीडियो था पिंक लाइन और खजूरी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से रिलेटेड। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।